हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे जो आप ये पूरा किट देख रहे हो ये है द अल्टीमेट स्मार्टफोन ब्लॉगिंग किट, बिकॉज इन टोटल यहाँ पे 4 या 5 एसेसरीज यूज हुई हैं और इसका जो कॉम्बिनेशन है इट टोटली मेक्स दिस द अल्टीमेट किट एक स्मार्टफोन ब्लॉगर के लिए। और ये जो अल्टीमेट ब्लॉगिंग किट है इसमें जितनी भी एसेसरीज यूज हुई हैं दिस इज बाय अ वर्ल्ड फेमस ब्रांड नोन एज जोबी। सो ये वीडियो उन्होंने ही स्पॉन्सर करा है, बट मैं जो अपने व्यूज दूंगा वो ऑनेस्ट एंड ट्रू होने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो गोरिल्ला पॉड, सो दिस इज जोबी 3 के गोरिल्ला पॉड एंड एज द नेम सजेस्ट इसका जो पेलोड है वो है अप टू 3 kg। और अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, कोई भी फोन आज के टाइम में 250 ग्राम विद कवर तो नहीं होगा, और अगर आप ऊपर एसेसरीज भी लगाते हो दैट शुड बी अंडर 1 kg। अब इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आप मोबाइल नहीं भी यूज़ कर रहे हो और आप एक कोई कॉम्पैक्ट DSLR या मिररलेस कैमरा यूज़ कर रहे हो वो भी आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। एनीवे, टॉकिंग अबाउट दी फंक्शनैलिटीज़, यहाँ पे एक ये लिवर है, मैं इसको प्रेस करूँगा सो इस हिसाब से मेरा कैमरा या स्मार्टफोन जो भी आपने माउंट करा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। और एक चीज़ मुझे क्या बढ़िया लगती है, यहाँ पे जो इसका प्लेट है ना, यहाँ पे ये लेवल दिया हुआ है और ये लेवल आपको इंश्योर करता है जब आप अपना स्मार्टफोन या कैमरा इसमें माउंट कर रहे हो तो आपका जो बॉल हेड है इसका उसको आप बैलेंस करके इजीली देख सकते हो। जब ये सेंटर में है इट मींस कि आपका जो स्मार्टफोन या कैमरा है दैट इज वेल बैलेंस्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट गोरिल्ला पॉड, सबसे पहली चीज, सबसे मेन चीज जो एक गोरिल्ला पॉड का होता है वो है यहाँ पे जो आप इसके ये कॉम्पोनेंट्स देख रहे हो विच इज मेड अप ऑफ वेरी हाई क्वालिटी प्लास्टिक एंड एजेस में इसका पूरा रबर का कोटिंग है विच मेक्स इट वेरी इजी एंड कंफर्टेबल टू होल्ड इवन अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए शूट कर रहे हो। बॉटम की साइड में पूरा यहाँ पे लेग्स में इसका रबर का आपको ये दिया हुआ है सो दैट जब आप इसको कहीं रख भी रहे हो बी एट मडी एरिया या रफ एरिया वो ईजिली इट डज नॉट डैमेज द बेस ऑफ योर गोरिल्ला पॉड। उसके बाद बॉल हेड की बात करते हैं, बहुत बढ़िया और हाई क्वालिटी बॉल हेड है। अगर मैंने एक बार टाइट कर दिया और इसके ऊपर हैवी सेटअप भी है सो ये इजीली ऑफ नहीं जाता, जो मोस्टली जब आप बजट गोरिल्ला पॉड्स लेते हो वहाँ पे इशू आ जाता है। तो बहुत इजी है, यहाँ से मैंने इसको ओपन करा तो ये आपका बॉल हेड एडजस्टेबल है, आप जिस भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यूज़ करना चाह रहे हो आप कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट लॉक इट ओवर हियर एंड इट्स डन। अदरवाइज ये बहुत फ्लेक्सिबल, इसके यहाँ पे जो लेग्स हैं 3 लेग्स आपको मिलती हैं लाइक एनी गोरिल्ला पॉड एंड इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल और आप किसी भी सर्फेस पे, ऑलमोस्ट किसी भी सर्फेस पे आप रख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको कुछ बीरोल क्लिप्स भी दिखा देता हूँ जब मैंने इस गोरिल्ला पॉड को पेड़ पे या रेलिंग पे या ऐसे ऑड एंड इवन सर्फेसेस पे रखा है जहाँ पे इजीली आप व्लॉगिंग या स्पेशली फोटोग्राफी भी कर सकते हो। अच्छा, अब मैं सबसे इंटरेस्टिंग एसेसरी की बात करता हूँ इस पूरी किट में जो मुझे लगा वो है जो भी ग्रिप टाइट प्रो 2 माउंट। ये जो आप माउंट देख रहे हो ना, जो आपके बॉल हेड की प्लेट पे बैठा हुआ है, फोन यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ऊपर माइक्रोफोन लगा हुआ है, पूरा एक सिंगल यूनिट है। और ये जो माउंट है, सबसे पहली चीज और जो मुझे सबसे बढ़िया चीज लगी, यहाँ पे आप इसको अगर मैं अनस्क्रू करता हूँ सो आई कैन एडजस्ट द एंगल इस तरह से। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे जो गोरिल्ला पॉड यूज कर रहा हूँ उसके लेग्स को नहीं एडजस्ट कर सकता या नहीं करना चाह रहा, वन ऑप्शन आई हैव कि मैं यहाँ से इसको लूज करके एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल पे सेट कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरे पास बॉल हेड तो है ही सो आई हैव दीज 2 ऑप्शंस। तो माउंट में एक ही आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। उसके बाद सबसे बढ़िया चीज़ एक और जो मुझे लगी वो है, आजकल जो व्लॉगिंग या वीडियो फॉर्मेट हम बना रहे हैं कंटेंट वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बनता, वो वर्टिकल फॉर्मेट में भी बहुत ज़्यादा बनता है। और उसके लिए यहाँ से मुझे जस्ट ये नॉब को अनलॉक करना है, आई हैव टू होल्ड माई फोन इस तरह से, मैंने इसको एंगल चेंज करा और यहाँ पे जब मेरा फोन पूरा वर्टिकल एंगल पे आ गया सो यहाँ से मैं इसको लॉक कर दूंगा एंड नाउ आई एम गुड टू गो एंड शूट वीडियोस इन वर्टिकल फॉर्मेट। तो ये सबसे कूल चीज़ मुझे लगी, एक नॉब को जस्ट मुझे लूज करना है एंड आई कैन ईजिली स्विच बिटवीन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो भी बिना किसी झंझट के, जस्ट दैट दिस नॉब जिसको मैं यहाँ पे ईजिली एडजस्ट कर सकता हूँ। और बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ पे जो अंदर की साइड में इसका मटीरियल यूज हुआ है इट इज़ लाइक अ मिक्स ऑफ मेटल प्लस वेरी हार्ड प्लास्टिक, सो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सुपीरियर है। एंड टॉकिंग अबाउट सबसे ऊपर जो आप अमाउंट देख रहे हो जहाँ पे माइक्रोफोन है, यहाँ पे मैं इसको अनमाउंट करके, ये बेसिकली एक कोल्ड शू है, एक माइक्रोफोन ऑप्शन है या दूसरा ऑप्शन है जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा और वो है जो भी बीमो मिनी। ये एक बहुत छोटी सी लाइट है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा जो वीडियो में काफी काम आएगा। सो या ऑल इन ऑल ये है इस माउंट के बारे में। नाउ टॉकिंग अबाउट द माइक्रोफोन जो आप यहाँ पे ऊपर माउंटेड देख रहे हो, दिस इज जो भी वेवो मोबाइल। अब ये जो पर्टिकुलर माइक्रोफोन है दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर
द स्मार्टफोन्स, बट आप इसको कैमरा में भी यूज़ कर सकते हो। और इसके सबसे बढ़िया फीचर मुझे क्या लगता है, आपको सीधा केबल माइक्रोफोन से फ़ोन के ऊपर लगाना है, कोई भी एक्सटर्नल बैटरी का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बहुत बार कहीं माइक्रोफोन्स में क्या होता है कि बैटरी रहता है इनबिल्ट, और कब वो ड्रेन हो जाए, कब ख़त्म हो जाए और आप व्लॉगिंग कर रहे हो आपको पता ही नहीं लगता। तो वो चीज़ मुझे बढ़िया लगी। एंड ऊपर ये डेड कैट है, इसको आप हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो इफ़ यू विश कि आप वीडियो बना रहे हो और आपको आसपास हवा चल रही है तो आप डेड कैट लगा सकते हो, अदरवाइज यू कैन सिंपली रिमूव दिस। सो इस तरह से बहुत कॉम्पैक्ट सा माइक्रोफोन एज यू कैन सी ये बन जाता है। और यहाँ पे ऊपर शॉक माउंट है, ये भी मुझे चीज़ सही लगी कि कई बार हम व्लॉगिंग करते हुए अगर चल भी रहे हैं सो शेक होता है माइक्रोफोन, तो अगर ये शॉक माउंट ना हो तो चांसेस होते हैं कि वॉइस में डिस्टॉर्शन आता है, बट ये उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। तो इसके साथ दो वायर्स आती हैं, एक मोबाइल टू माइक्रोफोन और दूसरा DSLR टू माइक्रोफोन, सो दोनों के साथ ये कंपेटेबल बन जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सेसरीज पूरे किट में, वो है बीमो मिनी। अब ये जो आप छोटी सी लाइट देख रहे हो ना, आपको लगेगा इतने पावरफुल नहीं है, लेट मी स्विच इट ऑन, देन आपको आइडिया लगेगा। ग्रेट, सो ये अभी हाईएस्ट इंटेंसिटी पे है और अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ यू कैन ऑलरेडी सी कितना लाइट मेरे फेस पे आ रहा है। तो अब जो आप ये सैंपल देख रहे हो, ये सिर्फ एक ही लाइट सोर्स है, आगे ट्यूबलाइट, उसके थ्रू लाइट आ रही है, आपको फेस पे बहुत सॉफ्टनेस दिख रहा होगा। अभी अगर मैं आता हूँ तो थोड़ा ठीक दिखेगा, बट अगर मैं लाइट से थोड़ा दूर आता हूँ तो आप देख सकते हो फेस पे कितना नॉइस आ रहा है और सॉफ्टनेस आ रही है। और अब आप मैजिक देखना, सो अभी मैंने बीमो मिनी को ऑन कर दिया एंड लुक एट डिटेल्स ऑन माई फेस, और कितना लाइक ग्लो आ रहा है एंड फेस पे इवन लाइट है बिकॉज ये डिफ्यूज़र की वजह से। एंड मैं कहीं भी रूम पे जाता हूँ व्लॉगिंग करते हुए, यू कैन सी कि मेरे फेस पे हमेशा लाइट रहेगी क्योंकि एकदम मेरे सामने है एंड आई कैन व्लॉग इन एनी सिचुएशन। अगर रात को भी मैं शूट कर रहा हूँ तो भी मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ यूजिंग बीमो मिनी। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगती है, डिफ्यूज़र, अगर मैं हटा दूँ आप देखोगे हार्ड लाइट आएगी, बट ये जो डिफ्यूज़र है ये स्पेशली फेस पे जब लाइट आती है उसको काफ़ी सॉफ्ट कर देता है, इट मेक्स बेसिकली योर वीडियो लुक मोर प्रोफेशनल, और सॉफ्ट लाइट के साथ बढ़िया आउटपुट आता है। सो दिस इज़ द मिनिमम लेवल, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, सो आप बेसिकली 5 अलग अलग इंटेंसिटी के मोड स्पेस को यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट, ये था पूरा किट जो मुझे लगता है एक अल्टीमेट व्लॉगिंग किट बन सकता है, ऑल थैंक्स टू जोबी, बिकॉज इन्होंने जितने भी यहाँ पे एक्सेसरीज इंट्रोड्यूस करे हैं मार्केट में ये सब एम करते हैं व्लॉगर्स के लिए, एंड आप इसको फोटोग्राफी में भी यूज़ कर सकते हो लाइक द गोरिल्ला पॉड एंड दिस पर्टिकुलर लाइट। सो दैट्स इट, अपने व्यूज़ कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये अल्टीमेट व्लॉगिंग किट फॉर स्मार्टफोन यूजर्स, आई लव टू नो योर व्यूज़। बाकी इसके जो लिंक्स हैं सारे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग एंड keep vlogging.